हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की नई रेसिपी में हम शेयर करने वाले हैं रसमलाई की वीडियो। तो एकदम बाजार जैसी टेस्टी से रसमलाई आप घर पे कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 600 ग्राम टोन मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए रसमलाई बना रहे हैं तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो दूध को हमने चढ़ा दिया है, अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। पहले रसमलाई बनाने के लिए ना तो हम किसी रीठे का पानी का यूज करेंगे ना फिर हम कॉर्नफ्लावर का यूज करेंगे। और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि जो रसमलाई है एकदम स्पॉन्जी बनेगी। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को हमने बंद कर लिया है। दूध का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तब हम इसे फाड़ेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है व्हाइट विनेगर, ये 2 चम्मच इतना है। अब हम इसमें इसका दुगना पानी डालेंगे। तो दूध अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, अब हम यहाँ पे विनेगर वाला पानी डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। 2 से 3 बार आप डालने पे देखेंगे कि छेना अच्छी तरीके से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध अभी नहीं फटा है। अब हम एक बार फिर से डालेंगे विनेगर वाला पानी। तो जब कभी भी आप छेना बनाएं तो एकदम खोलते हुए दूध में इसे ना फाड़ें, थोड़ा सा इसे ठंडा हो जाने दें तभी करें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि छेना कितनी अच्छी तरीके से दूध से अलग होने लग गया है। अब एक बार और हम इसमें डाल देंगे विनेगर वाला पानी और हमारा छेना अच्छी तरीके से इसमें से निकल जाएगा। तो 3 बार हमने इसमें विनेगर का पानी डाला, आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से छेना अलग हो गया है। अब हम इसे एक मलमल के कपड़े से छान लेंगे। यहाँ पे हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, अब हम इसमें छेने को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे हमने एक पतीला भी रख दिया है ताकि इसका पानी उसमें निकल जाए। तो यहाँ पे जो इसका पानी निकला है इसको आप आटा वगैरह सानने में भी यूज कर सकते हैं। छेने में से विनेगर का पानी अच्छी तरीके से निकालने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। 2 से 3 पानी से इसे धुलने से विनेगर का फ्लेवर इसमें से निकल जाएगा अच्छे से। तो अच्छे से हाथों से मसल के इस तरीके से धुल लीजिए। अब हम इसके पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे और इसे एक थाली में निकाल लेंगे। छेना को थाली में निकालने के बाद अब हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मसलेंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से मसलने के बाद छेना जितना हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। अब हम सारी लोइयों को इस तरीके से पहले गोल गोल करके हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिस तरीके से रसमलाई का शेप होता है उस तरीके से हम इसे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बना लिए हैं, अभी आप इसका साइज देख सकते हैं ये कितना छोटा है। अब हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी और सेम कटोरी से ही हम इसमें डाल देंगे 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी पानी डालने के बाद अब हम इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब 1 से 2 बार इस तरीके से हम चला देंगे इसे। तो हमें फ्लेम को हाई ही रखना है और चाशनी अच्छी तरीके से उबलने लगा है। अब एक एक करके सारे छेने को हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें उबाल बंद नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से ये उबलना चाहिए। अब एक एक करके सारे छेने को हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप छेने का रसगुल्ला भी बना सकते हैं। इसे हमें हाई फ्लेम में ऐसे ही उबलते रहने देना है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट बाद फिर से इसे चेक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका ढक्कन हटा दिया है और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका साइड एकदम डबल हो गया है। तो यहाँ पर चाशनी भी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है जिसको हम इस तरीके से छेने के ऊपर डालते रहेंगे। बहुत ज्यादा इसे नहीं डालना है, बीच में 1-2 बार इसे बस डालना है इस तरीके से। इसे चाशनी फिर से थोड़ी सी पतली हो जाएगी और रसगुल्ला अच्छी तरीके से पकेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये छेना पक रहा है। इसी तरीके से हल्का हल्का हम इसको प्रेस करते रहेंगे, बहुत तेज से इसे नहीं करना है। अब इसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देते हैं और पानी बीच बीच में डालते रहेंगे। और आप देख सकते हैं हमने कॉर्नफ्लावर या किसी भी तरीके का पाउडर या रीठे का पानी का उपयोग नहीं किया है इसमें। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छेना कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बन रहा है यहाँ पर। 5 से 7 मिनट के लिए फिर से इसे ढक देंगे। तो आप झाग देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसमें बना है।
अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। छेना अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसका रस बना लेते हैं। फिर से यहाँ पे हमने पैन लिया है और हमने डाल दिया है इसमें फुल फैट मिल्क। अब हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब दूध में हल्का सा उबाल आ गया है तो फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा केसर। केसर हमने यहाँ पे अभी ही डाल दिया है। आप चाहे तो इसे पहले से भिगो कर भी रख सकते हैं। तो जब तक हम इसका रस बनाते रहेंगे ये गाढ़ा होता रहेगा, केसर भी इसमें अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करते रहना है और अगर इस तरीके से मलाई जम जाए तो ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करके हमें दूध में इसे मिक्स करते रहना है। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 छोटी इलायची के दाने को क्रश करके डाल दिया है इसमें। इसे रस मलाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा खाने में। धीमी आंच में हमें ऐसे ही दूध को पकाते रहना है जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे घर की फ्रेश मलाई 2 चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इससे इसका रस गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा रस बनकर तैयार हो गया है। अब आखिरी में हम इसमें डाल देंगे केसर एसेंस ताकि इसका फ्लेवर दुगना हो जाए। हमने 3 to 4 drops केसर एसेंस डाला है जिसकी क्लिप हम नहीं ले पाए हैं। अब आप यहाँ पे छेने को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस तरीके से अपने थंब से प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं। छेना अच्छी तरीके से दबने के बाद फिर से फूल गया है, मतलब छेना बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे बेक टिन में कितनी अच्छी तरीके से सजा लिया है। इसके बाद हम इसे फ्रिज में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। 600 ग्राम टोन मिल से आप देख सकते हैं 8 रसमलाई बनकर बड़ी साइज़ की तैयार हो गई है। अब इसे डाल देंगे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सबको सर्व करेंगे। तो ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। इस रसमलाई को हमने कई बार बनाया है, इस बार हमने इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर किया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।